नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीए नेट जून 2020। जैसा कि आपने देखा होगा, दिसंबर 2019 एनटीए नेट का रिजल्ट आ चुका है। आप में से कई साथियों का नेट क्लियर हुआ होगा और कई साथियों का जेआरएफ क्लियर हुआ होगा, तो आप सभी को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो बहुत बहुत बधाई, और नेट हुआ है तो अगली बार अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो। और इस नेट के एग्ज़ाम में दरअसल हमारी समस्या ये होती है कि पहला पेपर हम कैसे तैयार करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो सभी तैयार कर लेते हैं, लेकिन पहले पेपर में सभी मात खा जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एनटीए नेट जून 2020 जो लगने वाला है, जिसकी संभावित तिथि है, यानी कि एनटीए के माध्यम से निर्धारित कर दी गई है कि 15 से 20 जून 2020 के मध्य ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण चर्चा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर दीजिए, और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आगे आने वाला प्रत्येक अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि एनटीए नेट 2020 जो जून में लगने वाला है, उसमें हम पहले पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर एनटीए नेट 2000 जून 2020 पहले पेपर की तैयारी हम कैसे करें। पहले पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। इसको तैयारी करने से पहले, इसको देखने से पहले हमें सिलेबस देखना होगा। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल सिलेबस। तो ये है आपका पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, इस पाठ्यक्रम का नाम है। और इस कोड है इसके 00, पहला प्रश्न पत्र है। और इसलिए इसके पहले प्रश्न पत्र में कुल 10 इकाइयां हैं, और इन 10 इकाइयों में से प्रत्येक में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 50 प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली इकाई को, जिसका नाम है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि जो होती है वो मुख्यतः शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं वो दरअसल, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्यवहारिक ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें इनके जो उत्तर दिए जाते हैं वो व्यवहारिक स्तर पर दिए जाने चाहिए। और इसके लिए अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की एक किताब आती है पहला प्रश्न पत्र के नाम से, तो उसमें जो शिक्षण अभिरुचियाँ दी हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे तरीके से दी हुई है, तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो और ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। और उसके बाद में है दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति जो होता है वो हमें शोध के सैद्धांतिक पक्ष को बताता है, और सैद्धांतिक पक्ष को समझने के लिए आपको उसी किताब से इस प्रकार के सभी टॉपिकों को समझना होगा। इसको आप व्यवहारिक स्तर पर अगर देखना चाहें तो आसानी से इस किताब के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद में कंप्रेहेंशन अंग्रेजी में कहा जाता है और इसे हिंदी में लिखा गया है बोध, और इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश से ही प्रश्नों को पूछा जाएगा, और इसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि गद्यांश में से ही प्रश्न बनेंगे और उसी के उत्तर आपको देने हैं। और ये जो है, ये है संप्रेषण के नाम से, जिसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन है संप्रेषण। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, अगर आप अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानते हो, तो आप नेट के माध्यम से सर्च करके भी देख सकते हो। अन्यथा अगर आप राजस्थान से हैं या किसी भी राज्य से हैं, तो उस राज्य में एक कम्युनिकेशन से संबंधित किताब चलती है 10वीं 12वीं में, मतलब कक्षा 11 और कक्षा 12 में, तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। अन्यथा आप नेट पर सर्च करके भी आसानी से पढ़ सकते हो, और यहाँ पर भी कई चीज़ें हैं वो व्यवहारिक धरातल स्तर पर ज़्यादा पूछी जाती है। इसके लिए भी उस किताब में, मतलब नेट की जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का पहला पेपर है उसमें दे रखी है, उसको भी आप पढ़ सकते हो।
पांचवी इकाई है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ये दरअसल मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं और इसके साथ साथ मेंटल एबिलिटी के सवाल आते हैं। तो मेंटल एबिलिटी और मैथ के सवाल के लिए आप आसानी से एक कोई भी एक किताब खरीदिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और अभ्यास के माध्यम से आप मैथ को आसानी से कर सकते हो। और ये मूलतः आधारित है युक्ति युक्त तर्क पर, यानी कि ये मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं। मेंटल एबिलिटी के प्रश्न जो होते हैं, आप जितना अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कोई सी भी एक गाइड खरीद लीजिए और उस गाइड में ये जो जो भी टॉपिक दे रखे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, आसानी से आप उसे कवर कर जाओगे। आंकड़ों की व्याख्या, ये भी मूलतः मैथ के प्रश्न होंगे। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक, ये सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो सांख्यिकी से संबंधित अगर आप प्रश्न पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेट का फर्स्ट पेपर जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का आता है उसमें ये अच्छे तरीके से समझाया गया है, उसको आप आसानी से देख सकते हो। ये ICT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो इसको अगर आप देखना चाहते हो, तो व्यावहारिक स्तर पर देखना चाहो तो आप उस किताब में भी देख सकते हो, अन्यथा नेट पर सर्च करके भी इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। उसके बाद में ये है आपके पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जीके के स्तर पर अगर देखा जाए तो जीके इसमें न के बराबर होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समसामयिक की चीज़ों पर चलती है। पर्यावरण से संबंधित जो समसामयिक की चीज़ें होती है उसमें चलती है। इसके साथ साथ आप अगर देखना चाहो तो इसमें राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप एक पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण किताब खरीद लीजिए, कोई सी भी छोटी सी, जो टॉपिक के अनुसार ही हमेशा पढ़ने का प्रयास करें तो उससे आप आसानी से कवर कर जाओगे। और अंतिम इकाई है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है भारत का, उसको समझने के लिए आपको इसके लिए आपको विशेषकर किसी किताब या पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती है। आप नेट पर सर्च करके भी देख सकते हो। और वर्तमान में जो नीतियां हैं, सुशासन, राजनीति, प्रशासन, इसको समझने के लिए आप नेट पर आसानी से देख सकते हो। यानी कि UGC यानी कि NTA नेट में पहले पेपर की तैयारी के लिए आपको व्यवहारिक स्तर पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और 50 में से आप अगर 40 या 35 प्रश्न भी सही कर जाते हो तो आसानी से स्कोर बना लेते हो। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पाठ्यक्रम के अनुरूप ही तैयारी करनी है, पाठ्यक्रम से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और क्योंकि 10 इकाइयों में से प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, तो उसी के अनुसार ही तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।